दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इंडसइंड बैंक में एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना, तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरा फुल प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे इंडसइंड बैंक में एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए मैं इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि कैसे आप घर बैठे अपना इंडसइंड बैंक में एक जीरो बैलेंस अकाउंट आप ओपन करेंगे। स्टार्ट करने से पहले इसके फीचर्स, इसको कैसे अप्लाई करना है, इस अकाउंट को कैसे ओपन करना, सभी चीज की मैं चर्चा करूंगा। इंडसइंड बैंक में अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, ये टोटली जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। इसमें आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं या इंडसइंड बैंक में है और इसमें आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट वगैरह भी मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं इसके टॉप फीचर्स की मैं बात करूँ इस बैंक में, आपको ये देखिए कंटेक्टलेस, मतलब कंटेक्टलेस कैश विड्रॉल कर सकते हैं आप। यहाँ पे डेबिट कार्ड से कोई भी एक्सपेंड करते हैं तो आपको कैशबैक मिलता है और डेबिट कार्ड पे आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट भी मिलता है। ये टॉप एक्सपेंसेस है, यानी आपको डेबिट कार्ड पे और आपको डेबिट कार्ड पे रिवॉर्ड पॉइंट और कैशबैक दोनों मिलता है इसमें, और आप इजिली इससे कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं। इसमें दूसरा मैं बेनिफिट्स की मैं बात करूँ, इंडसइंड बैंक में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हाईलाइटेड बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे कैशलेस विड्रॉल है, 5% इंटरेस्ट ऑन सेविंग, यानी इस सेविंग अकाउंट में 5% का आपको सेविंग मिल जाता है। अकाउंट नंबर आपके चॉइस से मिल सकता है, यानी आप अपने अकाउंट नंबर को अपने चॉइस से ले सकते हैं। और यहाँ पे डेबिट कार्ड का जो फीस होता है 250 से स्टार्टिंग होता है और 1050 तक यहाँ पे इसके डेबिट कार्ड के चार्जेस हैं। इसके और सारे बेनिफिट्स ये ऑफर करता है अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो। यहाँ पे आप फंडिंग करते हैं 3 महीने तो आपको टाइम्स प्राइम का मेंबरशिप आपको फ्री में मिल जाता है। अट्रैक्टिव डिस्काउंट लॉकर चार्जेस, यानी आपको अट्रैक्टिव डिस्काउंट मिल जाता है लॉकर चार्जेज वगैरह का। यहाँ पे अट्रैक्टिव कैशबैक डिस्काउंट रिवॉर्ड पॉइंट ऑन डेबिट कार्ड, यानी डेबिट कार्ड से कोई भी शॉपिंग वगैरह करते हैं तो आपको कैशबैक डिस्काउंट और रिवार्ड मिलता है। और अदर स्टाइलिश बेनिफिट्स आपको डाइनिंग वगैरह पे, ट्रेवलिंग पे और इंटरटेनमेंट पे, अदर लाइफ स्टाइल्स बेनिफिट्स आपको मिल जाता है। यह ऑफर से यहाँ पे होता है। अब मैं बात करूंगा यह कौन लोग ओपन करेंगे। एलिजिबिलिटी कैटेगरी की मैं बात करूँ कि किस लोगों को यह ओपन करता है। एलिजिबिलिटी कैटेगरी में आपको सैलरीड हैं, या आप सैलरीड हैं, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या आप एक स्टूडेंट है, या आप कोई भी व्यक्ति हो, रिजली आप इसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सैलरीड हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी है 18 से, आपकी उम्र 18 से 45 वर्ष की होनी चाहिए। और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में आपके पास आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड और मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होना चाहिए, या मस्ट होना चाहिए आपके पास। अब मैं सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करूँ तो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए क्या क्या जरूरत है। 18 से 45 वर्ष उम्र होना चाहिए और डॉक्यूमेंट में सेम प्रोसेस है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपने आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अब चलिए मैं अदर्स एलिजिबिलिटी कैटेगरी की मैं बात करूँ। आप इंडिया के निवासी होना चाहिए, या मस्ट है कि आप इंडिया के निवासी होना चाहिए। चलिए मैं आप बताऊंगा कि इस अकाउंट को कैसे आप ओपन करेंगे। ऑनलाइन घर बैठे आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं इंडसइंड बैंक का। इसको ओपन करने के लिए सिंपल सा प्रोसीजर है, आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और आधार लिंक मोबाइल नंबर है तो इस अकाउंट को ओपन करने का प्रोसीजर है। सबसे पहले मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप इसी लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ पे चले जाएगा। जैसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक से क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे चले जाते हैं। यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे ओपन योर अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ओपन योर अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, इसी पे जाके आपको सिंपल सा क्लिक कर ले। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना आधार नंबर डालना है, यहाँ पे आपको अपना पिन कार्ड नंबर डाल देना है और पिन कार्ड नंबर डालने के बाद जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर होगा, जब पिन कार्ड नंबर डालेंगे, जैसे आप आधार नंबर डाल के और क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आधार नंबर डाल के परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड नंबर डाल करके और इंटर ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, उसको आपको क्या करना है, वेरीफाई कर लेना है। यानी आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर डाल करके जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आप वेरीफाई हो जाएगा और ओटीपी डाल देंगे, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाएगा। वेरीफाइड होने के बाद कंटिन्यू वाला बटन आएगा, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पर्सनल कुछ डिटेल्स डालना होता है, जैसे आपका नाम, यहाँ पे जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एडिशनल में आपको आपका नॉमिनी डालना होता है, नॉमिनी में माता जी या पिताजी का नाम वगैरह आप डाल करके और आपको कंटिन्यू वाले बटन पे सिंपल सा क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दो तरह के अकाउंट दिखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं
यहाँ पे दो तरह के आपको अकाउंट मिलेंगे, इसमें जो भी आपको पसंद आता है आप इसको च्वाइस कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे इसमें देखिए, जैसे आप अकाउंट, यह पूरी तरह से जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अकाउंट ओपन करने के दौरान आपको पहले पैसा जमा करना पड़ता है, यानी अगर आप ये इंडस डीजी स्टार्ट वाला अगर अकाउंट आप ओपन करते हैं तो इसमें आपको यानी 20,000 रुपया और प्लस आपको 20,000 रुपया यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ता है, मिनिमम फंडिंग करना। फंडिंग करने के बाद आप इस पैसे को निकाल भी सकते हैं आप, ये जीरो बैलेंस होता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं, लेकिन मिनिमम आपको फंडिंग करना पड़ेगा 20,000। दूसरा है इंडस डेलाइट का, इसमें आपको मिनिमम 10,000 का फंडिंग करना होता है। तो जो आपको, जो भी आपको अकाउंट पसंद है, इस अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड क्या क्या बेनिफिट्स हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या इसका बेनिफिट्स है। तो जो आपको अकाउंट पसंद है, यहाँ पे फंडिंग से ऊपर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 20,000 और यहाँ पे 10,000 है। इस पैसे को आप फंड करके आप मतलब बाद में आप निकाल भी सकते हैं, ये टोटली जीरो बैलेंस होता है। तो मैं यहाँ पे 10,000 वाला सेलेक्ट करूंगा। 10,000 सेलेक्ट करके आपको सिंपल सा कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना। जैसे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 10,000 रुपये आपको फंडिंग कर लेना है। यह फंडिंग आप अपना किसी भी माध्यम से, UPI से या आप अपना मतलब अपना डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से किसी भी माध्यम से आप इसको फंडिंग कर लेंगे। फंडिंग करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे वीडियो KYC करना है। जैसे नीचे आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेबिट कार्ड का जो चार्ज होता है, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं 590 इंक्लूडिंग GST, यानी 500 रुपया प्लस GST इसका चार्ज होता है आपका डेबिट कार्ड का। ये डेबिट कार्ड को अगर लेते हैं तो इसमें बहुत सारे रिवार्ड पॉइंट वगैरह आपको मिलता है। तो ये 590 रुपया इसका GST चार्ज होता है। तो 10,000 और प्लस 590 रुपया आप यहाँ पे ऐड करिएगा, 10,590 रुपया ऐड कर लीजिए। और ऐड करने के बाद आप इस पैसे को निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, जैसे आप पैसा ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद कंटिन्यू करेंगे तो आपको वीडियो KYC करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करके एक वीडियो KYC कंप्लीट करना है। ये एजेंट आपके सामने आता है, आपका पैन कार्ड आधार कार्ड का डिटेल्स वगैरह पूछता है, वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने के बाद 5 या 2 मिनट के अंदर आपका वीडियो KYC कंप्लीट हो जाता है। जैसे आप वीडियो KYC कंप्लीट हो जाता है तो आपके घर पे 7 से 14 दिनों के अंदर आपका जो वेलकम किट होता है यह भेज दिया जाता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस इंडसइंड बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यानी फंडिंग आपको इंस्टेंट करना होता है, बाद में आप इस पैसे को विड्रॉल कर लीजिए या इसमें रखिए या ना रखिए, कोई ज़रूरत नहीं, ये अकाउंट आपका टोटली जीरो बैलेंस होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में, आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वायरी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।